सुजुकी एक्सएस 250 एम आर आई कर देख सकते हैं, ये फुल बॉडी क्रैश गार्ड जो है, और वो तो भाई साहब एक नंबर क्वालिटी है, अगर जिसने एक बार चूज कर लिया ना। कम बैक में मैं हूं आपको अपना राजभराज, आपके सामने सुजुकी एक्सएस 250 दिखाते हैं मॉडिफिकेशन, पर उससे पहले बता देते हैं भैया आए हैं हमारे ऋषिकेश से, जो कि देख सकते हो UK07 उत्तराखंड से। तो ये पहचान इसलिए बता रहा हूं मैं कि लोगों का, आप लोगों का प्यार इतना है ना कि कहीं से भी हो हर बंदा आता है काम कराने के लिए एक ट्रस्ट के लिए, और वो ट्रस्ट पे हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी एंड में भैया बताई देंगे उतरे या नहीं उतरे। तो अब दिखाते हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन जो हमने क्या क्या किए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप आते हैं सबसे पहले मिलता है इसके अंदर देख सकते हैं, ये फुल बॉडी क्रैश गार्ड जो कि आपको मिलता है प्रीमियम लुकिंग के साथ, और इसके ना पूरा वाइजर, पूरा टैंक और आपके लैग्स पूरा करता है प्रोटेक्ट पूरी तरीके से। बोले तो देख सकते हो पूरा आग ऊपर से नीचे तक पूरा प्रोटेक्ट करता है आपको, चाहे इंजन ही क्यों ना हो, सभी चीज़ होती है इसे प्रोटेक्ट। और जो स्लाइडर्स होते हैं ना, ये जब भी गाड़ी गिरती है स्क्रैच वगैरह होते हैं सिर्फ आपके ये, और ये होते हैं आपके रबड़ के, जो कि जब भी गाड़ी चलते हो पेट्रोल वगैरह गिरने के बाद इसमें आग लगने का खतरा जो होता है ना, अगर इसके अंदर ज़्यादा हैवी लगा दिए जाए लाइक मेटल वगैरह के, तो उससे फायर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसमें लगे होते हैं जिससे सिर्फ ये घिसते हैं, बाकी गाड़ी में कोई डैमेज नहीं होती, ना ही कोई फायर वगैरह खतरा होता है। सेम आपको इधर मिलेगा देखने को, सेम देख सकते हैं आप इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो बोथ साइड कैस किस तरीके से आती है लगने का। चाहो तो आप इसके अंदर शॉर्ट भी आते हैं, मार्केट में लोग बेचते हैं चोर साइज, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, नीचे का नहीं होता। बट हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं पूरी तरह प्रोटेक्ट हो जाए आपकी बाइक, तो और इससे क्या क्या चाहिए हमें। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर हैंडल राइजर जो कि लगा देगा वी स्ट्रोम के, देख सकते हो आप ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। ऐसे लगाने से क्या होता है, जब भी आप बाइक राइड करते हो ना, तो एक नॉर्मल राइड में कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग राइड में क्या होता है थोड़ा सा आपको दिक्कत आती है शोल्डर में पेन वगैरह की, तो ये उसको करता है आपका रिजॉल्व। इसे लगाने के बाद आपका हैंडल हो जाता है अराउंड डेढ़ से दो इंची आपका राइज हो जाता है, जिससे कंफर्ट राइड आप कर सकते हो इजीली। साथ में आपको मिलता है बोबो का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर। बोबो का ओरिजिनल मैं आपको इसलिए हर बार दिखाता हूँ क्योंकि ना लोग लोकल तो लगवा लेते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँगा अभी के लिए। देख सकते हैं इसके अंदर जो मोबाइल होल्डर था ना, जो भैया ने लगवा रखा था, एक्चुअली क्या है ये लोग लगवा तो लेते हैं, इससे ना बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि फ़ोन आपका सस्ता हो महंगा हो गिरेगा, क्योंकि ये आपका जब मर्जी निकल जाता है, कैसे पता लगा आप रास्ते में राइड कर रहे हो और फ़ोन गया नीचे डिस्प्ले वगैरह ख़त्म, तो मोटा खर्चा होता है उसके अंदर। और ये ना साथ में अगर इसे नॉर्मल लगा रखा, तो देख रहो ये घुंघरू की आवाज़ इसमें से आती है, जिसको ये घुंघरू नहीं चाहिए वो कृपया बेस्ट पर जाए, और वो तो भाई साहब एक नंबर क्वालिटी है, अगर जिसने एक बार चूज़ कर लिया ना, तो वो दोबारा किसी और को चूज़ नहीं कर सकता। और उसमें मोबाइल लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज बता दूँ क्या होता है, एक तो मोबाइल आपका निकलेगा नहीं गिरेगा नहीं, साउंड तो आएगी नहीं, साथ में इसकी मिलेगी आपको 1 ईयर गारंटी। 1 ईयर में कभी भी कोई दिक्कत है, सीधा मैं करता हूँ काउंटर प्लेसमेंट हैंड टू हैंड चेंज, जैसे कि पता है आपको जो बोल रहा हूँ मैं जरूर करता हूँ। तो वैसे आज तक कोई कंप्लेंट इसमें नहीं आई है, ना ही अभी तक हमने रिफंड कराया, क्योंकि भैया जब चीज़ दे ही ऐसी रहे एक नंबर वाली, तो दो नंबर काम है नहीं अपना, आपको पता ही है। और इसके बाद आपको देखो फॉग लैंप जो कि इसके अंदर लगाए, देखो ये फॉग लैंप है वाई वाले जो कि मिलते हैं HJG ओरिजिनल, देख सकते हो आप HJG ओरिजिनल है जो कि इसके अंदर लगा दिए हमने वाई वाले फॉग लैंप। और इसके अंदर जो कलर मिलता है वो आपको मिलता है ट्विंस बोले तो, चाबी ऑन कर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए चाबी ऑन करते ही ये हो गया आपका वाइट, देख सकते हो आप फोकस, अभी दिन का समय है, और ये हो गया आपका येलो, वाइट येलो, ये ट्विंस इसके अंदर कलर मिल जाते हैं। येलो होता है आपका फॉग के लिए वो कलर, जिसे एक होता है आपका फॉग के लिए जो कि मिलेगा आपको येलो वाला, और दूसरा आप नॉर्मल कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो ये दो कलर इसके अंदर, बाकी चाहो तो इसके अंदर मिनी ड्राइव मिल जाएगी, और ऊपर जितने 2 फीचर 3 फीचर जो भी इसके अंदर वैरायटी, सारी वैरायटी अपने पास HJG ओरिजिनल मिल जाती हैं। और साथ में इसमें लगा देंगे हॉर्न जो कि हैं आपके ओरिजिनल मिंडा के, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। साउंड सुना तो कैसी आती है देखिए, क्योंकि जब रोड पर निकलते हैं ना, तो निकलने के बाद इसमें जो लगा होता है वो देखो ये लगा होता है इसके अंदर सिंगल हॉर्न, जो कि आपने मोपेड वगैरह में या फिर अपने एक्टिवा वगैरह सबके अंदर यही आता है ज़्यादातर, चाहे होंडा हो चाहे सुजुकी हो, कोई सी भी बाइक हो ना आपकी या स्कूटी, सभी के अंदर आपको ये सिंगल हॉर्न देते हैं। और हम लगाते हैं इसके अंदर डबल हॉर्न, जिससे साउंड भी इंक्रीज हो जाता है रोड पर चलने के बाद ना, आपको साइड भी इजीली मिल जाती है। इधर आपको देखने मिलेगा सीट कवर जो कि मिलता है विद कुशनिंग, आपको देख सकते हैं, क्योंकि जब राइड करनी हो और कुशनिंग ना हो तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। कवर तो लगाए, कवर के साथ कुशनिंग होने के बाद काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, देख सकते हो आप, और राइड हो जाते हैं काफ़ी इजी से। साथ में इसमें लगा टॉप रैक प्लेट, इसे लगाने का आप कोई भी लगेज वगैरह रखना हो, सामान रखना हो, तो आप वो भी रख सकते हो। साथ में आप जो टॉप बॉक्स वगैरह, तो वो भी इसके अंदर आप इजीली लगा सकते हो। और इसके बाद दिखाऊंगा आपको इसका रियर फुटरेस्ट, देख सकते हो बोथ साइड इधर भी मिलेगा आपको, सेम मिलेगा आपको इस तरफ, दोनों तरफ मिल जाएगा आपको। ये प्लेन राइडर को ना बैठने में काफ़ी आसानी होती है इसमें, और साथ में एग्जॉस्ट भी सेवा है इस तरफ से,
ये जो एग्जॉस्ट है ना, इस पर भी निशान नहीं आते, इतनी बड़ी प्लेट होती है आपकी जो लगा दी गई इसके अंदर। और साथ में इसमें मिलेगा आपको गियर शॉक्स, ये देखिए ये गियर शॉक्स है जो कि इसके अंदर लगा दिए गए। गियर शॉक्स लगाने का जो मोटिव होता है ना, वो आपके शूज़ को प्रोटेक्ट करने का होता है, क्योंकि जब भी आप राइड करते हो ना तो शूज़ इससे ख़राब हो जाता है। क्योंकि शूज़ यार मैं तो सस्ता पहनता हूँ, लेकिन बाकी लोग क्या कहते हैं, महंगा पहनते हैं, और अगर जो उनका शूज़ ख़राब हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाइक की बाइक तो राइड कर ही रहा बंदा, राइड करते हुए शूज़ पर निशान आ गया तो वैसे बेकार। तो इसलिए एक छोटी सी चीज़ है जो हर किसी बाइक के अंदर ज़रूरी है। और इसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर, देख सकते हो ये है इसका ब्रेक पेंडल एक्सटेंडर जो कि रेड कलर का है। आप चाहो तो इसके अंदर कोई भी कलर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको रेड लेना है, ग्रे, ब्लैक, ग्रीन, येलो, जो आप चाहो वो कलर इसका हमारे पास मिल जाता है आपका, जैसे आपको चाहिए। और ये ना इसका लगाने का मोटिव बता देता हूँ, ये जो इसका ब्रेक पैनल होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा दे रखा है इसके अंदर, जिससे क्या होता है जब भी आप राइड करते हैं ना, और बारिश का मौसम वैसे चल रहा है और पैर स्किट होने का खतरा ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो ये इतना बड़ा लगा दिया गया इसके अंदर जिससे आप इजीली ब्रेक लगा सकते हो। और एक चीज़ और दिखाता हूँ फाइनली कि लास्ट क्या है इसके अंदर, देख सकते हो बैक साइड से लगा टायर अगर जो कि मिलता है आपको इम्पोर्टेड वाला, ये भी इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। इससे लगाने से एक तो ना जब भी आप राइड करते हो तो क्या होता है, बैक साइड से जो बंदा आ रहा है तो उसकी लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पर, जिससे पता लगता है कि आगे कोई बाइक वगैरह है अपनी। और साथ में ना जो इसका मेन मोटिव होता है डस्ट कंट्रोल करना, देख सकते हो आप काफ़ी डस्ट अंदर गई हुई है, तो इस डस्ट को करना बहुत ही हद तक कंट्रोल करता है ये वाला टायर। अगर नॉर्मली इसमें आप चाहो तो सस्ता भी आता है, हल्का भी आता है, वैरायटी बहुत सारी आती है हर चीज़ के अंदर, बट ये होता है प्रीमियम क्वालिटी का। और अब यहाँ पर आकर मोटिव हो गई कम्प्लीट, अब बुलाना चाहूँगा भैया को, जिन भैया की बाइक है फाइनली, सुबह आए थे वैसे कल रात को आए थे भैया, लेकिन रात को होटल रुके, सुबह आते ही आ गए हमारे पास, तो पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस और कहाँ से हैं, कैसे काम पर लगा। आइए सर, बताइए सर नाम, कहाँ से आए ये बताइए, फिर कैसा लगा ये बताइए। भैया लगा तो बहुत अच्छा है, और इसके से आए हम, आपकी वीडियोस देख के आए थे, और सबसे बड़ी बात है सर कि बजट फ्रेंडली है। टोटल मॉडिफिकेशन में जो खर्चा आया वो मेरी उम्मीद से बहुत कम आया। आप बता सकते हो कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दो ढाई घंटे में काम हो गया, कोई समय भी नहीं लगा, फुल्ली सेटिस्फेक्शन है सर। फुल्ली सेटिस्फेक्शन बिल्कुल। और कोई आना चाहे तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर बिल्कुल आएँ, और मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। जैसे कि आपने सवेरे मुझे कहा कि भैया दुकानें तो बहुत है, लेकिन हाँ, क्या है एक ट्रस्ट बिल्कुल देख कर आया तो बिल्कुल है भैया, तो वो ट्रस्ट मिला नहीं मिला? बिल्कुल मिला भैया, बिल्कुल मिला, व्यवहार मिला, नेचर मिला, समय कैसे लग गया कट गया नहीं पता लगा, काम नहीं पड़ गया, बहुत अच्छा है भैया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम भैया आने के लिए। तो ये थे भैया, जिन भैया की बाइक थी, इन्होंने अपना जो भी अपनी बाइक का वक्त था वो सारा करा चुके हैं। आपको भी कराना है ऐसा कोई भी काम तो आप आ सकते हो, आपने अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर जो कि मिलती है आपको दिल्ली के करोल बाग नावेलंग के अंदर। मेरी दो शॉप मिलेंगी आपको, एक मिलेगी आर्य समाज रोड पर और दूसरी मिलेगी आपको आर्य समाज रोड पर ही। दूसरी दोनों का समझा दो कैसा होता है, जब भी आप आते हो ना मार्केट के अंदर, मार्केट और करोल बाग में आते हो तो क्या होता है, झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के अपोजिट आपको मिलेगी विशाल मूर्ति हनुमान जी की, जो कि आपको पता ही है कि फेमस है, जब भी आप सर्च मारो हनुमान जी की बिग मूर्ति तो यहीं की आती है। वहाँ पर आपको डालना है लोकेशन, और उसके बाद वहाँ से 100 मीटर की रेंज है, क्योंकि मेरी शॉप से हनुमान जी की मूर्ति दिखते हो तो समझ सकते हो कि ज़्यादा दूर है नहीं। और जब भी आप आने का सोच रहे हैं, वहाँ आने के बाद आपको अंदर आना मार्केट के लिए, जो कि मिलेगा आपको आर्य समाज रोड। उस आर्य समाज रोड का सबसे बड़ा महत्व बता दूँ, जो हमारा रोड है ना, आप अगर गफ्फार के लिए आते हो तो भी आपको इस रोड पर आना है, बिडनपुरा के लिए तो भी यही रोड आएगा आपका, कार मार्केट है तो भी यही रोड आर्य समाज रोड, और अगर बाइक मार्केट तो भी आपका यही रोड आएगा आर्य समाज रोड। तो आर्य समाज रोड याद रखोगे, पहले चौक पर ये शॉप मिलेगी, दूसरे चौक पर मिलेगी दूसरी शॉप, तो दोनों शॉप अपनी जब भी आना चाहो आ सकते हो दोनों में से किसी पर भी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बाकी अगर कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7822271714, ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो कि आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, जो भी क्वारीज हो बता सकते हो, पूछ सकते हो, मंगा सकते हो। तो वीडियो चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, राजभाई इसकड़ी को जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मत दिन, गुड बाय।